you know that there are four main directions east west north and south yes hame pata hai ki kitne directions hai four the direction of something from a place tells us the way in which we have to go to reach it or direction ek place होती है एक रास्ता होता है एक जगह होती है जो हमें बताती है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ पहुँचना है किस direction में जाना है ठीक है सो इफ अ शॉप इज़ टू द ईस्ट ऑफ योर हाउस यू विल हैव टू वॉक इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन टू रीच इट ना अगर यहाँ पे शॉप है ओके okay, यहाँ पे आपकी आपको किसी शॉप पर जाना है सो so, आप क्या करेंगे वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन की ओर जो है मूव करना होगा टू रीच द शॉप ओके वैन वन यू फीज द रइजिंग सन ओके द ईस्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ओके द सन राइज इन द ईस्ट सन कहाँ राइज कहाँ से राइज होता है ईस्ट से होता है सो so, वो बोल रहे हैं कि वैन यू फीज द राइजिंग सन द ईस्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू अगर एक बच्चा खड़ा है या आप खड़े हैं और आपका फीस जो है इस तरफ है तो आप किस तरफ फेस करके खड़े हैं आप फेस करके खड़े हैं ईस्ट क्योंकि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है द वेस्ट इज बिहाइंड यू और आपके जो जस्ट पीछे होगा बिहाइंड हम पता हमेशा पता बोलते हैं बिहाइंड दैट मीन्स आपके जस्ट पीछे और आपके जस्ट पीछे आपका फेस इस तरफ है तो आपके जस्ट पीछे क्या होगा वेस्ट होगा ओके okay, नाउ द वेस्ट इज़ behind यू द नॉर्थ इज़ टू योर लेफ्ट ओके अभी आप इधर मुकर के खड़े हुए हैं आपका राइट हैंड इधर है लेफ्ट हैंड इधर है तो आपके लेफ्ट में जो होगा नॉर्थ नौ, नॉर्थ साइड होगा एंड द साउथ इज़ टू योर राइट और आपकी राइट साइड में जो है साउथ होगा अब आपको मैम एक चीज़ बताते हैं कल जब जल्दी से उठिएगा जहाँ से सनराइज होता है मम्मा पापा की हेल्प से आप डायरेक्शन का उनसे आप पता लगा लेंगे सिर्फ इतना पूछेगा कि ईस्ट आपको जहाँ से सनराइज होता हुआ दिखाई देगा जिस डायरेक्शन में सनराइज होता हुआ दिखाई जाएगा दिखाई देगा आप उस तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे एंड देन जो आपके जस्ट पीछे होगा वो होगा वेस्ट जो आपके लेफ्ट साइड होगा वो होगा नॉर्थ और जो आपके राइट साइड होगा वो होगा साउथ अ कंपास शोज अस दीस डायरेक्शंस कंपास इस तरीके से दिखता है और वो हमें जो है डायरेक्शन शो करता है इट लुक्स क्वाइट लाइक अ वॉच यस वो किसकी तरह दिख तो रहा है वॉच की तरह ही दिखता है है ना सो so वो वही बता रहे है कि इट लुक्स क्वाइट लाइक अ वॉच वो वॉच की तरह दिखता है इट हैज़ निडल इंस्टेड ऑफ़ द हैंड्स उसमें निडल होती है है ना उसमें कांटे होते हैं इंस्टेड ऑफ़ हैंड्स जो घड़ी के हैंड्स uh, होते हैं वॉच के जो हैंड्स होते हैं क्लॉक हैंड्स होते हैं वो नहीं होते बट निडल्स होती है द रेड एंड ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ और जो रेड uh, निडल जो है उसका जो एंड है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन हमें शो करेगा नव सी फिल इन द ईस्ट फिल इन ई फॉर ईस्ट डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ इन दम्पास बिलो दिस इज अ कम्पास दिस इज अ कम्पास जो इक्विपमेंट हमें डायरेक्शन शो करता है दैट इज़ कॉल कम्पास उसे क्या बोला जाता है कैंपास सो so, आपको ईस्ट के लिए E आपको दिखाना है वेस्ट के लिए डब्ल्यू नॉर्थ के लिए एन एंड साउथ के लिए एस फिल इन ऑल द डायरेक्शन दैट लाई बिटवीन द मेन डायरेक्शंस, अभी क्या करना है सबसे पहले अभी ये रेड मिडल है ओके, okay. so, ये जो रेड नीडल है वो यहां पे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है हमें ऊपर भी बताया है कि द रेड एंड ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ वो हमेशा किस तरफ पॉइंटेड रहता है नॉर्थ की ओर, नॉर्थ एस फॉर साउथ ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर ये यहाँ से सन राइज होता है इस ईस्ट पोजीशन में ईस्ट डायरेक्शन में सो जस्ट आपके बिहाइंड वेस्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ होगा एंड आपके राइट हैंड साइड पे साउथ होगा नाउ माय डियर चिल्ड्रन अब हमें वो डायरेक्शंस तो हमें हमने हमेशा से पढ़ी है बट व्हाट अबाउट दीज जो इन नॉर्मल डायरेक्शंस के बीच में लाई कर रही है जो इन इनके बीच में है सो so, हम इसे क्या करेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो भी डायरेक्शन आता है जैसे ये जो शो कर रहा है सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो होगा नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट ना कमिंग टूवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट साउथ एंड ईस्ट सो ये क्या होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ एंड वेस्ट के जो बीच में होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज इस तरीके से आपको इस कंपास को जो है रेडी करना है ओके बेटा सो आज आप थोड़ा इतना ही करिए एंड रीडिंग करिए एंड प्लीज़ प्रैक्टिकल करके एक बार ज़रूर देखिएगा कि जो डायरेक्शंस मैम ने बताया है कि जहाँ से सन राइज़ होता है जिस डायरेक्शन में सन राइज होता है मतलब सन सूरज उगता है वो जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है उसके जस्ट आपके बैक साइड में होता है वो डायरेक्शन वेस्ट होती है फिर जो आपका लेफ्ट हैंड आप उठाएँगे वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन और जब आप अपना राइट right हैंड उठाएंगे वो होगा साउथ डायरेक्शन और जो ये डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन शो होती है वो मैम ने आपको बताया है ओके सो डू इट एंड रेडियो यस बुक रेडियो लेसन ओके चलिए बाय